आईपीएल 2022 की तैयारियां जारी। इस बीच आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन की तारीखें भी अब सामने आ गई हैं। पता चला है कि आईपीएल का मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को होगा। साथ ही जानकारी ये भी हाथ लगी है कि इस बार का ऑक्शन भी बेंगलुरु में ही होगा, जहां इससे पहले भी ये होना तय माना जा रहा था। हालांकि बीच में एक दो बार दूसरी जगह ऑक्शन का आयोजन किया गया। अब आईपीएल की दो नई टीमें अपने 3 खिलाड़ियों को चुनने की प्रक्रिया में लग गई हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही इन खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सौंप दी जाएगी। इस बीच आईपीएल की सभी टीमों ने अपने टारगेट खिलाड़ियों की लिस्ट भी तैयार करनी शुरू कर दी है, जिन्हें टीम मेगा ऑक्शन में अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन की सबसे खास बात यह होगी कि कई टीमों को ऑक्शन से खिलाड़ी ही नहीं बल्कि अपने कप्तान भी चुनने हैं। इसमें आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी शामिल है, जिसके पिछले कई साल से कप्तान विराट कोहली थे। लेकिन आईपीएल 2021 के दूसरे फेज से पहले ही विराट कोहली ने ऐलान कर दिया था कि वो इस सीजन के बाद आरसीबी की कप्तानी नहीं करेंगे। आरसीबी ने रिटेंशन के दिन अपने जिन रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की, उसमें विराट का नाम तो था ही, साथ ही मैक्सवेल और सिराज का भी नाम था, लेकिन इसमें से कोई खिलाड़ी कप्तान बनेगा कहना मुश्किल है। ऐसे में टीम मेगा ऑक्शन में से ही किसी कप्तान को भी अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। वैसे तो आरसीबी के कप्तान को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक नया नाम सामने आया है और ये है मनीष पांडे। मनीष पांडे इससे पहले हैदराबाद के लिए खेल रहे थे, लेकिन टीम ने उन्हें अगले सीजन के लिए रिटेन नहीं किया। अब वो मेगा ऑक्शन के मैदान में आएंगे। मनीष पांडे की खास बात यह है कि आईपीएल के इतिहास में मनीष पांडे ही वो पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने शतक लगाया था, और ये काम मनीष पांडे ने आरसीबी के लिए ही किया था। इसके बाद तो कई खिलाड़ी शतक लगा चुके हैं। हालांकि इससे पहले मनीष पांडे केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी खेल चुके हैं। 2018 के मेगा ऑक्शन में हैदराबाद ने उन्हें करीब 11 करोड़ रुपए में खरीदा था। आरसीबी के कप्तान को लेकर पिछले कुछ समय से कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अभी तक मनीष पांडे का नाम कहीं से भी नहीं लिया गया था, लेकिन अब उनका नाम सामने आया है। देखना होगा कि ऐसा कुछ विचार आरसीबी मैनेजमेंट में चल रहा है या फिर नहीं। हालांकि मनीष पांडे अभी टीम इंडिया के लिए नहीं खेल रहे, वो टीम से बाहर है। वहीं आईपीएल में भी पिछले कुछ साल से उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।